पुलिस को मिली सफलता, अवैध रूप से हथियार बेचने की फिराक में घूम रहे व्यक्ति को पुलिस एस्कॉर्ट ने धर दबोचा, जिसके पास से 4 देसी माउज़र। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक गुरकरण करण सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी, एसडीओ पीपीएस बालरे के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई, जिसमें विशेष भूमिका आरक्षक राजेश शर्मा, संजय मिश्रा, लक्ष्मी नागपुरे, राजेश पटेल, अनुराग पटेल आरोपी को गिरफ्तार करने में रही। माफियाओं तक नहीं पहुँच पा रही, क्या वजह है? सिर्फ जो सफाया है उन तक नहीं। आज जो पुलिस गोटेगांव पुलिस की सफलता है, इसमें मेन आदमी जो है सरदार सिंह जुनेजा, जो कि स्वयं हथियार बनाता है और बेचता है, इस आदमी को गिरफ्तार किया गया है। सरदार सिंह जुनेजा गारी गांव का खरगोन जिले का रहने वाला है, जो हथियार खुद बनाकर बेचने का काम करता है। पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर श्री गुरकरण सिंह जी द्वारा एक विशेष अभियान, आपने देखा जो अभी अवैध उत्खनन को हुआ, फायर आर्म्स को लेके आम और अवैध हथियार, दारू जुआ सट्टा, इसकी जो मुहिम चल रही है मादक पदार्थों के खिलाफ में, उसी के तारतम्य में कल थाना गोटेगांव में एसडीओपी बालरे साहब और टीआई प्रभाष शुक्ला साहब और क्राइम स्क्वाड के जो लोग हैं रघुवंशी संजय और राजेश संजय, ये सब लोगों ने एक सूचना जो प्राप्त हुई थी उसको डेवलप किया और गोटेगांव बाईपास पर एक आदमी जो हथियार बेचने के लिए आया हुआ था खरगोन से, सरदार जुनेजा, उसको पकड़ा। उसके पास से 4 कंट्रीब्यूट पिस्टल बरामद हुई है और 2527 एक्ट का मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जा रही है। इससे पूछताछ करने पर और भी कुछ बातें पता चली है, शीघ्र जहां भी इसने सप्लाई किया उन आदमियों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। कितने में बेचता था सर ये पिस्टल? ये पिस्टल इसने बताया कि ये 25-30 हज़ार रुपये बोलता था और ज़रूरतमंद आदमी को तो ज़्यादा में भी देता था। अभी तक कितनी सप्लाई हो चुकी है, क्या संख्या सामने है? वो हम आपको पकड़ने के बाद आपको बताएंगे कि और किन किन को बेचा है, वो सब सामने आएगा। ये लाता कैसे था बड़ी मात्रा में? ये ट्रेन से सफ़र करता था, ट्रेन में रख के जो लाता था तो बाथरूम के वहाँ पे कहीं पे छुपा देता था, जहाँ उसको जगह मिलती थी किसी अपनी जो बर्थ है उसके नीचे डाल देता था और जब उतरता था तो वहाँ से उसको लेके उतर जाता था। कब से कर रहा है सर? इसको काफ़ी हो गया, ये बता रहा कि ये करीब 10-15 साल से काम कर रहा है। पहले भी खरगोन में साहब जी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी तक ये बताया सर नरसिंहपुर जिले में कितनी पिस्टल्स इसने बेच दी है? मैंने बताया, मैंने आपको बताया कि अभी खबर की उससे पूछताछ की गई है और जहाँ भी उसने ये पिस्टल बेची गई है उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। बड़ी सफलता मान लेगा गोटेगांव पुलिस की, नरसिंहपुर पुलिस की बड़ी सफलता है कि एक साथ 4 रिवॉल्वर से 4 पिस्टल कंट्रीब्यूट और बनाने वाले को पकड़ा है और हमको और भी इसके माध्यम से अन्य सूचनाएं पता चली हैं, तो पुलिस की बहुत बड़ी सफलता मानता हूं।